नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पश्चिम बंगाल में विसर्जन और मुहर्रम पर मचे घमासान के बीच जबरदस्त लताड़ कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को। साफ साफ पूछा है कि आप आखिर विसर्जन और मुहर्रम एक साथ हों ये मुमकिन क्यों नहीं करा पा रहे हैं अपने राज्य में, जब दोनों ही समुदाय के लोग आराम से एक साथ रहते हैं। कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि मुहर्रम और विसर्जन दोनों समुदाय अपने त्योहार साथ साथ क्यों नहीं मना सकते। कोर्ट ने पूछा कि जब राज्य सरकार इस बात को बार बार कह रही है कि राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है, तो फिर दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक फर्क क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने ममता बनर्जी की सरकार ने आदेश दिया था कि शाम 6 बजे के बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि 30 सितंबर को दुर्गा पूजा है, 1 अक्टूबर को मुहर्रम है और 1 अक्टूबर को होने वाले विसर्जन पर फिलहाल पश्चिम बंगाल की सरकार ने रोक लगाई। क्या कहा था ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल कुछ ही दिन पहले इस पर, आइए पहले आपको सुना देते हैं। जेहेतु 1 अक्टूबर मोहरम আছে, তাই দশমীর দিন কিন্তু সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া যাবে। যারা দশমীর দিন সন্ধ্যে 6টার মধ্যে বিসর্জন করবেন তারা কিন্তু বিসর্জন করতে পারেন, কোনো অসুবিধে নেই। শুধু একদিনই দেওয়া যাবে না, সেটা হচ্ছে 1 অক্টোবর একাদশীর দিন। একাদশীর দিন এমনিতে আমরা বিসর্জন দিতেও চাই না অনেক সময়, একাদশীর দিনটা শুধু দেয়া বিসর্জন হবে না, কারণ ওই দিন মুহরম আছে বলে। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना मकसूद उल हसन काजमी साहब जो कि प्रेसिडेंट है इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। एजाज अरशद काजमी साहब धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कुछ ही देर में प्रोफेसर मनोजीत मंडल जो कि प्रोफेसर हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के और टीएमसी के समर्थक हैं, क्योंकि टीएमसी की तरफ से आधिकारिक रूप से प्रवक्ता देने से इनकार कर दिया जाता है हर बार जब उनसे सवाल पूछने का वक्त होता है। तो हमारे साथ प्रोफेसर मनोजीत मंडल जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले आपके पास आते हुए सवाल तो ये है कि ये घमासान है नहीं, इस घमासान को आर्टिफिशियल तरीके से बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। सद्भाव है, सद्भाव है उनकी सरकार कोर्ट में कहती है और दूसरी तरफ कहती है कि सद्भाव बिगड़ेगा अगर एक साथ दोनों त्योहार मनाए गए तो। देखिए, बहुत दुखद विषय है। ममता का मतलब क्या होता है? ममता का मतलब प्यार होता है। मगर जब यही ममत्व केवल एक धर्म विशेष के लिए दिखे और दूसरे धर्म के लिए बिल्कुल निर्ममता दिखे और ममता ना दिखे तो उसे तुष्टीकरण कहते हैं। और ममता बनर्जी आरंभ से ही तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रही है, मुस्लिमों के लिए ममता, हिंदुओं के लिए निर्ममता। और यह एक अच्छे शासक के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। आप देखिए, मुझे कष्ट हो रहा अंजना जी, दुर्गा पूजा बंगाल का नस है। दुर्गा पूजा के बिना बंगाल और कलकत्ता कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वो अधूरी है। मां दुर्गा को आप रोक देंगी, मां दुर्गा का विसर्जन नहीं होगा। आज मैं कोर्ट को तो धन्यवाद देता ही हूं, मगर मैं हृदय से आज कहता हूं कि ममता जी, आप भी ये डिबेट जरूर सुन रही होंगी, देश का सबसे बड़ा चैनल है, आप देख रही होंगी। मैं बताता हूं, आज से वो काल आरंभ हो गया जब बंगाल में, जब कलकत्ता में टीएमसी का शासन विसर्जन की ओर बढ़ रहा है। मां ने आपको अभिशाप दिया है, राजनीतिक फायदा उठाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल नहीं, राजनीति नहीं, धर्म। अब आपने राजनीति का फायदा उठाना शुरू कर दिया। बंगाल की भूमि में पूजा प्राप्त करते रही है हमेशा, ये इसी वर्ष नहीं, पिछले वर्ष भी उन्होंने मां को रोका था, कोर्ट ने फटकार लगाई थी, कोर्ट ने कहा था तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चल सकता है। इसके बावजूद इस बार उन्होंने ये कानून क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि वो केवल और केवल एक धर्म विशेष के वोट के पीछे, 27% वोट के पीछे भाग रही है और जो सभ्यता, जो संस्कृति, बंगाल की जो विरासत है उसे वो विसर्जित कर देना। काजमी साहब, काजमी साहब, ये पसंद आता है आपको? आपको समझ में नहीं आता कि ये वोट के लिए कर रही है वो? देखिए, मैं ये कहता हूँ, हम हिंदू भाइयों की जितनी भी धार्मिक मान्यता है सबका एहतराम करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुहर्रम भी एक डिस्प्यूट का जो ताजिया निकालना है वो भी मुसलमानों में वेरी क्लियरली डिस्प्यूटेड है, बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन ये मुसलमानों में सदियों से चला आ रहा है, बंगाल के लोगों में खास तौर पर। लेकिन तो एक जो दुर्गा पूजा है वो लंबे दिन है,
ये ताजिया जो निकलता है सिर्फ एक ही दिन निकलता है, इस पर सरकार ने वो किया है, ममता सरकार ने, ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, वो जाने। हाँ। मगर ये कह रहे हैं कि ये अपीजमेंट है। हाँ। मैं बता रहा हूँ सहारा, राष्ट्रीय सहारा की खबर लाया हूँ, 17/9/2017 की। धनबाद में आपकी सरकार है हुजूर, वहां के डीएसपी और एसएसपी ने कह दिया कि हर हाल में आप 30 सितंबर को ही हर हाल में मूर्तियों की विसर्जन कीजिए और 1 तारीख को मुसलमानों के मुहर्रम में वहां पर मत कीजिए। क्या वहां कौन सा अपीजमेंट है? ये आपकी डबल स्पीकिंग नहीं है? कहिए देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की वो नहीं है? आपको अगर थोड़ा बहुत भी शर्म होगी तो आप उसकी भी निंदा कीजिए और उस फरमान को आप वापस लाइए। संबित पात्रा, धनबाद की बात कह रहा हूं, धनबाद में आपकी सरकार है, बिहार का मामला है। देखिए झारखंड, शर्म भी मैं करूं, मेरे पूजा की पद्धति को आप रोक दें, उसके ऊपर से मेरे ऊपर इतने जोर जोर चिल्लाएं, भाई जवाब नहीं दे रहे आप। अरे हुजूर, धनबाद में भी रोक दिया गया, आपकी सरकार ने कर दिया साहब। अरे मिस्टर, देखिए 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 मौलाना साहब, ये मौलाना साहब दुर्गा पूजा पे मुझसे चिल्लाना दे रहा हूं मैं तो। अरे मैं पूजा करता हूं तो आप मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे बोलेंगे शर्म करो कि तुम पूजा करते हो। मैं डांट नहीं रहा, मैं तो आपका कैसी बात आ गई, मेरे दोस्त हैं, पूजा करता हूं तो मैं शर्म भी करूं? आपने नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हो कि धनबाद पर रोक दिया गया, पूजा करना बंद कर दे और पूजा करता है तो वो शर्म करे? अरे धिक्कार है, आप आज कह रहे हैं कि शर्म करो, कल कहेंगे बंगाल से निकल जाओ, कल कहेंगे, परसों कहेंगे बंगाल खाली कर दो, यही तो होता रहा है। खुदा के वास्ते आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप टॉपिक पे आइए और इसका जवाब दीजिए कि धनबाद में भी दशहरा विसर्जन को रोक दिया, उसके आप निंदा करेंगे या नहीं करेंगे? उस सरकार को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? एक सेकंड, राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी, मनोजीत मंडल जी भी जुड़ गए, राकेश सिन्हा जी, ये विक्टिम कार्ड खेलना ठीक है? देखिए मैं दो बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। हाँ। सवाल ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, अभी किसी मुसलमान ने डिमांड नहीं किया था, इसलिए मुसलमानों को मैं दोष नहीं देता हूँ। किसी हिंदू समुदाय ने नहीं कहा कि हमारी हमारी पूजा, हमारी विसर्जन को पीछे कर दिए। सवाल ममता बनर्जी की राजनीति क्या है, इसे अगर तुष्टिकरण कह रहे थे, मैं संबित जी आपसे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, ये तुष्टिकरण नहीं है। तुष्टिकरण तो अब तक होता रहा है, ये विभाजनकारी है। वह बंगाल में यह संदेश देना चाहते कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हिंदू मुसलमान जबकि साथ रह रहे हैं। ममता बनर्जी अपने एफिडेविट में कह रही हैं कि वहां सेकुलरिज्म है, वहां पंथ निरपेक्षता है, सद्भाव है, कानून और व्यवस्था है। दूसरी तरफ वह कह रही है कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं हो सकता है। देखिए सदियों से दो समुदाय साथ रहे हैं, पूजा पद्धतियां साथ साथ होती रही हैं, साथ साथ पर्व त्यौहार होता रहा, एक दूसरे में भागीदारी रही है। यह संदेश बहुत खतरनाक है। यह संदेश वह है कि बंगाल का मुसलमान, ममता बनर्जी क्या ग्रेटर बंगाल बनाना चाहते हैं इस्लाम के मुसलमान? मनोजीत मंडल जी, क्या ममता बनर्जी की योजना है बंगाल, पश्चिम बंगाल के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान? विभाजनकारी विभाजनकारी सोच है ममता बनर्जी, दो ही राजनीति को राजनीति करके। नहीं नहीं, आज हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं एक साथ हो सकता मुहर्रम और दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ का विसर्जन, मुद्दा ये हाईकोर्ट ने पूछा है। हाँ, हाईकोर्ट ने क्या पूछा, हाईकोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दे दिया क्या? नहीं, वर्डिक्ट तो कल है, लेकिन हाईकोर्ट ने पूछा है, हाईकोर्ट ने पूछा है, हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं दोनों एक साथ हो सकता। सवाल जवाब कर रहे हैं अंजना जी से, आप बैठ जाइए क्या, आप जवाब दीजिए ना, हाईकोर्ट ने मुंह पर तमाचा मारा है। अंजना जी सीधी भाषा में बात कर रही, मैं उस बता रहा हूँ, हाईकोर्ट ने पूछा है, हाईकोर्ट में जवाब देगा। पहले बाएं गाल पे मारा था, पहले दाएं गाल पे मारा है। इस सरकार को नैतिकता का आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी को एक दिन सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। बंगाल के लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित कर रही है, हिंदुओं के साथ जो निर्ममता और क्रूरता का व्यवहार कर रही है, इसमें मैं मुसलमानों का दोष नहीं दे रहा हूँ। मंडल साहब, पागल आदमी क्या है, न्यायालय क्या बात करेंगे, समाचार मार रही है और आप कहते क्या हुआ? अंजना जी से काउंटर क्वेश्चन, मनोजीत मंडल जी करेंगे, मनोजीत मंडल जी जवाब दीजिए इसका। ये जो बीजेपी, अरे क्या मनोजीत मंडल जी, अरे ये तो बोलने देगा ना पहले, ये जो इन लोग जो इंसानिटी को जो यू नो प्रमोट कर रहा है, जो आप बात कर रहे हैं, आई डोंट नो हु द पर्सन इज, यू नो दे बिलीव इन द नैरेटिव ऑफ इंसानिटी। ये अगर के नैरेटिव इंसैनिटी का नैरेटिव में अगर जब फिल्म करेंगे उसके साथ क्या बहस करेंगे, मतलब लोगों को बताया क्या, बोलने भी नहीं देगा, एक बार बोले ममता जी को उन्होंने बिठाया क्या, आपने बिठाया ममता बनर्जी, अरे आपने बिठाया ममता जी को, भारत को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं आपको, या हाउ कैन आप,
तोड़ने की राय हाई कोर्ट ने क्या आप हो कौन जी का सवाल नहीं समझ में आ रहा है अरे आप हो कौन हाई कोर्ट ने बाएं और दाएं दोनों गालों पर तमाचा अरे आप हो कौन अरे हु आर यू मैं क्या हूं मैं भारत का नागरिक हूं जो देश को एक करना चाहता हूं अरे आप संविधान के बाद देश चलवाना चाहता हूं व्हाट यू टू से ऑल दिस थिंग मैं नहीं चाहता हूं कि इस देश में हिंदू के आधार पर देश चले भारत का नागरिक है मैं बताता हूं मोहर्रम सिटीजंस ऑफ इंडिया ओनली इलेक्टेड हां मोहर्रम बाद में होगा ये राजनीति चलेगी क्या है मैं बोलता हूं मैं कौन हूं कुछ भी बोलेंगे आप संबित पात्रा कुछ भी बोलेंगे मैं बोलता हूं आमी बोलती आमी की बहस करिए ठीक से अभी बोल रहा हूं मैं कौन हूं सुनिए 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 अंजना जी संबित जी उसके बाद नारी हो काज मंडल के अहंकार नहीं ये मनोजीत अरे बोलिए ना बहुत तो बोल रहे हैं आप क्योंकि इनका नाम राकेश सिन्हा है क्योंकि मेरा नाम संबित पात्रा है सबको पता है तुम ही की आप कौन है आप थोड़ी पूछ सकते हैं अगर मेरा नाम अभी अब्दुल सत्तार होता तो बोलता ओहो तुम ही तो अमर प्रभु अगर अब्दुल सत्तार होता तो बोलता तुम ही मेरे प्रभु हो आप देखिए हिंदुओं के इस प्रकार से प्रताड़ना माँ दुर्गा की बात क्या कर ली संघ विचारक ने तो आप सब, कौन है ये सब आप कौन है यू पीपल बिलीव इन द लॉजिक ऑफ इंसानिटी इतने जोर से हा 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 हंस के इतने जोर से अट्टहास करके तुम ही की सौ बार पूछेंगे आपको पता नहीं हाईकोर्ट ने क्या कहा आपको पता नहीं हाईकोर्ट ने क्या कहा और मनोजीत मंडल आप जैसे लोगों के कारण 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और दोबारा बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे आप लोगों के कारण विभाजन हुआ आप जैसे लोगों के कारण आप जैसे लोग हिंदू धर्म में है आप जैसे धर्म के जयचंद है आप लोग डिविजन करना चाहते हैं और मैं बताता हूँ अंजना जी मैं कल कलकत्ता में था मैं आपको सत्य बताता हूँ अंजना जी अंजना जी रुकिए तो पॉलिटिक्स दैट यू आर प्लेइंग इन मंडल जी मंडल जी मंडल जी प्लेइंग दिस पॉलिटिक्स इन द होल ऑफ इंडिया मंडल जी हिंदी में बोलिए सुनिए मंडल जी मैंने एक सेकंड मंडल जी ठीक है आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मैं तो वापस आऊंगी सर मैं तो वापस आऊंगी अपने सवाल पर और मैं सवाल फिर से पूछूंगी वो सवाल ये है कि हाईकोर्ट ने कहा देना ये लोग बोलने देंगे क्या हाईकोर्ट ने आप बोले ना क्या आप बोले आप तो सवाल पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगे दबाने के लिए आप हंसने लगे मेरा सवाल आपसे ये है कि हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है सर इसकी गंभीरता को समझिए आप बोलिए सवाल पूछिए इसकी गंभीरता को समझिए हाईकोर्ट ने कहा है कि आपका सरकार एक तरफ कहती है कि सांप्रदायिक सद्भाव है सद्भाव है कहती है दूसरी तरफ कहती है दोनों पर्व एक साथ नहीं हो सकते तो ये क्यों नहीं हो सकते ये तो आपके कामकाज पर सोच पर बहुत गंभीर सवाल है उस सवाल को समझते हैं आप और अगर समझते हैं तो जवाब दीजिए ममता बनर्जी क्यों विभाजनकारी नीति अपना रही हैं देश के अलग अलग जगहों पर मनेगा हर जगह ऐसी रोक तो नहीं लगेगी अभी अनइंटरप्टेड बोए थे बोलिए हिंदी मेरे को बोलने दीजिए जवाब हाँ, जरूर देंगे हाँ, अगर कोई मेरे बोलने के बीच में बोलेगे कि ममता जी को हटना चाहिए तो उनके ऊपर हम हंसेंगे बार बार हंसेंगे वो जो भी हो यार वो जो भी हो चाहे वो संबित पात्र हो और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो सीजन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल कोई अगर बोलेगा तो उनको हट जाना चाहिए हम उनके ऊपर हंसेंगे ही बार बार हंसेंगे आपका सवाल का जवाब हम देंगे सिविलाइज्ड वे से लेट अस हैव ए सिविलाइज्ड डिबेट अरे ये तो बोलने दे रहे बोलने नहीं दे रहा है अरे बोलने नहीं दे रहा है तो कैसे जवाब देंगे बोलिए बोलिए बोलने दीजिए ताड़ी बोल रहे दादा सुनिए हाई कोर्ट ने इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं दिया और ये कम्युनल इशू नहीं है और चीफ मिनिस्टर ने बार बार इसको क्लियर कर दिया दिस इज प्योरली प्योर एंड सिंपल लॉ एंड ऑर्डर इशू इन द एप्रिहेंशन ऑफ ए लॉ एंड ऑर्डर इशू इफ द गवर्नमेंट इन हिज विजडम डिसाइड टू डू समथिंग दैट हैज टू बी एडियर त्योहार पर मजहबी दीवार काजमी साहब मेरा सवाल आपसे है क्या वाकई इसको कानून व्यवस्था क्योंकि वहां पर समुदायों से कोई भी ऐसी मांग नहीं आई है देखिए ये खालिस स्टेट मैटर है और लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है जहां एक पार्टी अपनी जमीन हमवार करने के लिए उसको कम्युनल रंग दे रही है आपको याद होगा कि वहां पर देख लीजिए कि जैसे ममता बनर्जी की बीजेपी पर है बिल्कुल डायरेक्टली बीजेपी पर है बीजेपी जो अभी बंगाल में चौथे नंबर की पार्टी है लेफ्ट को कोई एतराज नहीं है कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है चौथे नंबर की पार्टी बीजेपी उसको सख्त एतराज है क्यों उसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 सालों से ये अपनी वहां पर जमीन हमवार करना चाह रहे हैं आपको मैं एक वाकया की तरफ याद दिलाना चाहता हूं उसी से आप अंदाजा लगा लें कि वहां किस तरह का माहौल ये लोग क्रिएट कर रहे हैं कुछ दिनों पहले इनकी एक सीनियर लीडर नूपुर जिसका मैं नाम ले रहा हूं उन्होंने एक फर्जी पिक्चर जो भोजपुरी फिल्म की तस्वीर थी उसको उन्होंने फेसबुक पर अपलोड कर दिया और उसकी वजह से पूरा बशीरहाट
कम्युनल फसाद के आग में जल गया, इन लोगों ने आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की। जानबूझकर संबित पात्रा, जानबूझकर ये लोग इस तरीके का की हरकतें कर रहे हैं, सांप्रदायिक रूप से एक राज्य को उबालने की कोशिश हो रही है क्या? विभाजन की राजनीति कह सकते हैं ना, तुष्टिकरण। यही से ये देख लीजिए कि वहाँ पर सिर्फ 27% राजनीति, तेरे कितने रंग, तेरे कितने रूप। दरअसल आज कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है ममता सरकार पर और पूछा है कि आखिर दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ का विसर्जन और मुहर्रम एक साथ एक दिन क्यों नहीं हो सकता है? आप इस पर जवाब दीजिए। मनोजीत मंडल जी, 6 अक्टूबर 2016 इसी हाईकोर्ट ने पूछा था कि एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ आप अपने फैसलों से क्यों खड़ा करते हैं? इसी कोर्ट ने पूछा था कि एक तरफा आपके फैसले क्यों होते हैं? एक बार फिर से वही मकाम, जब आज कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से यह पूछा गया है कि जब दोनों समुदाय आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं तो आप ये क्यों पहले से तय कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, इसका क्या जवाब? दो हजार सोलह में वर्डिक्ट क्या था? वर्डिक्ट दे दिया था क्या? जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था वो गलत था? इस तरह का कोई वर्डिक्ट नहीं हुआ था। और कल भी अगर कोर्ट में फैसला सुनाएगा कि इस तरह का कोई वर्डिक्ट होगा तो तब देखा जाएगा। ये प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग खाली तरफ इसको कम्युनल बना रहा है। अंजना जी, ये जो प्रॉब्लम ये 2-3 सालों से हो रहा है क्योंकि कैलेंडर में ये दो डेट एक साथ आ रहा है 2-3 सालों में। पहले ये नहीं होता था, पहले ये नहीं होता था। ये जो रिलीजियस कैलेंडर जो दो जो अंजना जी वर्डिक्ट आया था 2016 में, कैलेंडर दिस डेट्स आर क्लासिंग ओनली इन लास्ट 2 3 ईयर। पहले तो ये तो नहीं होता था। 2016 में इस तरह का कोई सेंसर नहीं होता कर रहे हैं। 2016 में वर्डिक्ट ममता बनर्जी के खिलाफ आया था, वो अलग होता था। कोर्ट ने साफ कर दिया, अलग होता था। न्यायाधीश ने कहा क्या एक समुदाय विशेष के तुष्टिकरण का ये काम कर रही है और एक समुदाय के लिए कोई राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य काम नहीं कर सकती है? अरे दूसरा किसम का संबंध नहीं था। एक मनोजीत मंडल जी कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि जो टाइम लिमिट सेट किया गया है पश्चिम बंगाल की तरफ से 2016 में भी, बोलिए 2016 में भी हाई कोर्ट ने कहा था कि जो टाइम लिमिट सेट किया गया है वो आर्बिट्ररी है। राइट, वो आर्बिट्ररी है। राइट, हम उसे क्वेश करते हैं। इट इज अ क्लियर एंडेवर, यानी साफ कोशिश है, साफ कोशिश है टू अपीज द माइनॉरिटी। और क्या चाहते हैं आप? इससे ज्यादा कोर्ट क्या कह सकता है? अंजना जी, कैसे किसके साथ अपीजमेंट हो गया? पाकिस्तान की नीति मत अपनाइए, पाकिस्तान आंदोलन की नीति ममता बनर्जी अपना रही है। उसके बाद आ रही हूँ सुखास की। संदेश मनोजीत जी, आप तैयारी के साथ नहीं आए हैं। ये राक्षस क्या बात करेंगे? एक सेकंड, पूरा कर लूं, मैं पूरा कर लूं। ये वर्डिक्ट मैं लेकर बैठा हूं, आप भी वर्डिक्ट निकाल सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके साथ आप जो वर्डिक्ट के बात कर रहे थे टू आवर्स के लिए और रिस्ट्रिक्शन, सुन लीजिए मुहर्रम का कोई ताल्लुक नहीं। अब दिखाना जो है, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार का अपीजमेंट शब्द भी इस्तेमाल किया जस्टिस दत्ता ने, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से आप मुहर्रम के कारण हिंदुओं के प्यूरिटन, उन्होंने कहा प्यूरिटन फेस्टिवल ऑफ विजयादशमी कैन नॉट बी स्टॉप, आप किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते हैं। जस्टिस ने यह भी कहा कि 1983-84 में मुहर्रम और विजयादशमी एक दिन पड़ा था, उसके बाद करारा जवाब कोर्ट ने सुनाया था, ये डिलीवर हुआ था।
नहीं आ रहा है। अगर मुहर्रम ही को आगे कर दिया जाए मुसलमान कोई एतराज नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, किया जा सकता है। आप क्यों एतराज कर रहे हैं? धर्म का रंग मत दीजिए। आप एतराज क्यों कर रहे हैं? आप यहां आप एतराज क्यों कर रहे हैं? बंगाल में आपके लिए जमीन नहीं है तो रास्ता तलाश कर रहे हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है कि नूपुर शर्मा जो अभी दंगा था अंजना जी मैं सवाल पूछ सकता हूं क्या कार्रवाई की? हाँ, क्या कार्रवाई? बीजेपी वालों को एक सवाल पूछ रहा हूँ, सुन लीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, समित पात्र एक सेकंड, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर पात्र एक सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए। दोनों आप जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए मेरे सवाल को, मेरे सवाल को सुन लीजिए। आप देखिए, मैं मौलाना साहब से पूछना था। मौलाना साहब, ये वही ममता बनर्जी है जो आरएसएस के हेड माननीय मोहन भागवत जी को रोकती हैं, अमित शाह जी को रोकती है, मगर कल आज तक में मैंने देखा कि एक मौलाना रोहिंग्या मुसलमान को लेकर कह रहा है, रोहिंग्या मुसलमान को लेकर कह रहा है कि अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं बोल सकता हूँ। अरे मौलाना, आपको आपको हिंदुओं के पक्ष पर आक्रमण करते हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अंजना जी मैं बोल सकता हूँ, अंजना जी बोल सकता हूँ, सवाल सुन लीजिए। कुछ तो नहीं मिल रहा है आपको बंगाल में? देखिए देखिए, कल जिस प्रकार से मौलाना वारसी ने कहा कि हम 72 हैं मगर लाखों हिंदुओं का हम जनाजा निकाल सकते हैं, मुसलमानों ये बंगाल है, ये बंगाल के आप एक लीडर ने ये भी कहा कि यहाँ मुसलमानों का राज चलेगा, ये मौलाना के भाई ने बोला था, अपने मौलाना के भाई ने बोला था, मौलाना वासी ने आपको दिखाया था। अरे आप तो हमारा जनाजा निकालना चाहते हैं। सवाल क्या है? मुझे आने मेहमानों के पास भी जाना है। सवाल क्या है? सवाल क्या है? ये अपीजमेंट नहीं तो क्या है? ये अपीजमेंट नहीं तो क्या है? बरकती बरकती को और मौलाना वारसी को बढ़ावा देना, हम सबके जनाजे के विषय में बात करना, दुर्गा पूजा को बंद कर देना, और वहाँ माननीय मोहन भागवत जी और अमित शाह को बोलने तक नहीं देना, हिंदुओं की आवाज को दबाना, ये अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? आपको भारत दिखाइए जहाँ मौलाना वारसी जो मौलाना जो मुफ्ती आजाद के भाई है वो क्या कह रहे हैं? मुफ्ती आजाद के भाई कल बंगाल में कह रहे थे कि हम बाहर कर रहे हैं, एक सेकंड लाखों के जनाजा निकाल सकते हैं। संदीप जी, अब आप दोहरा रहे हैं अपने आप को, जल्दी से आप जवाब दे रहे हैं, जनाजा निकाल रहे हैं। संदीप जी प्लीज जवाब देंगे। संदीप जी प्लीज, बरकती ने जो आपत्तिजनक बात कही थी उसके खिलाफ टीएमसी ही का एक मौलाना जो मंत्री है उसने धरना दिया और उसको हटवाया। वो मुसलमान ही है कलकत्ता के, जिन्होंने बरकती को वहां से हटाया। आप बनाएंगे राम म्यूजियम, सरकारी पैसे तो बोलेगा, आप ये समझ लीजिए टीएमसी के लोगों ने हटाया, कैसी अपीजमेंट की बात कर रहे हो? एक सवाल आपके लिए काजमी साहब, देखिए मोनाजी पांडे जी तो मुझे पता है अपनी बंदिशों में है, आप मुझे बताइए, हाई कोर्ट कह रहा है, इनको ये सब दिक्कत, हाई कोर्ट कह रहा है, दीपांकर दत्ता पिछले साल जज थे, उन्होंने साफ साफ टिप्पणी की, कोर्ट ने कहा कि आप माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही है ममता बनर्जी जी, एक बार फिर से टिप्पणी हाई कोर्ट की तरफ से, आपको फिर भी हाई कोर्ट की भी ईमानदारी पर शक है? हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो बिल्कुल सारा मामला हल हो जाएगा, कोई नहीं, कोई भी उसको इनकार नहीं करेगा। टिप्पणी है, कोई वो कोर्ट ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट में एक बात कही है, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है अब, लेकिन एक बात तो दिया था, एक बात पूछता हूँ, ये जो है चांद की वजह से, सुनिए बड़ी अहम बात है, चांद की सुन लीजिए, दूसरों की बात सुन लीजिए, मौलाना साहब दूसरों की बात, बैटरी खत्म हो जाएगा, ठीक है राकेश अंजना जी, इनका इनका बस देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये काम जो हो रहा है एक डिजाइन के तहत हो रहा है, ममता जी का डिजाइन क्या है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को थ्री मुस्लिम कांग्रेस बनाना चाहती हैं, वे चाहती हैं कि मुसलमानों को संदेश दें कि वो बार बार हिंदू मुस्लिम समुदाय आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? सुन लीजिए वहां के मुस्लिम भी निर्दोष नहीं है, मालदा मुर्शिदाबाद 24 परगना के जो दंगाई मुसलमान हैं उनको ममता बनर्जी प्रोटेक्ट कर रही हैं, उत्साहित कर रही हैं, बांग्लादेश का जिहाद बताते हैं, आज पश्चिम बंगाल में पनाह पा रही हैं,
वहाँ बलूचिस्तान पर नेशनल सिग्नल नहीं हो सकता है। मोहन भागवत जी सभा में दिया गया है, अमित शाह जी सभा में दिया गया है, क्या है बंगाल, क्या संदेश देना चाहती है ममता जी? ये त्रि मुस्लिम कांग्रेस को नेता दे रहा हूँ, त्रि मुस्लिम कांग्रेस आपका अंग हो गया है। ममता जी आपका भी विसर्जन इसी तरह होगा, अगर भस्मासुर भस्मासुर की तरह काम मत कीजिए। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की सांप्रदायिकता फैला रही है, वो सांप्रदायिकता का जहर पश्चिम बंगाल से बाहर भी फैल सकता है। और मैं जवाब दे दूं, बंगाल की बात कर रहे हैं, देखिए ममता जी किसी जिले में किसी तहसील में ऐसा काम करती तो मैं मान सकता था, पूरे राज्य में फरमान जारी कर दिया, पूरे हिंदू धर्म के मैंने कहा एक तहसील में एक जिले में कहीं एक परिस्थिति हो गई, पूरे हिंदू धर्म को उन्होंने समित पात्रा जी, चूंकि मैं कंफर्म कर रही थी खबर को इसीलिए मैंने आपसे पूछा नहीं, ये धनबाद के डीएम ने वाकई ये ऑर्डर निकाला, वो कह रहे हैं कि 30 को हर हाल में विसर्जन खत्म कीजिए क्योंकि एक को मुहर्रम है और ये डर है कि दो संप्रदाय आपस में ना भिड़ जाएं, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर इशू तो है ही। नो, हम देखिए अंजना जी, हम इसकी भी निंदा करते हैं चाहे किसी भी राज्य में हो, इसकी भी चिंता हम करेंगे। मुख्यतः पहली बार ममता बनर्जी ने, हाँ तो हमारी सरकार तो कोई नहीं, हमारी सरकार है तो हम इसकी चिंता करेंगे, कहा ना हमने। और दूसरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ये पहली बार नहीं है, अरे थोड़ा टॉलरेंस रखिए, हिंदुओं को बोलने दीजिए, थोड़ा प्लीज हम लोग को बोलने दीजिए, अरे दुर्गा पूजा पे इतना मत चिल्लाइए, दूसरों को भी बोल, हिंदुओं को भी बोलने दीजिए, अरे हिंदुओं को भी बोलने दीजिए, अरे हिंदुओं को बोलने दीजिए, देखिए पहली बार मुझे लगता है इसको बोलने ऐसा हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है। शुरू से ही ममता बनर्जी इस प्रकार हिंदुओं के साथ करते आ रही है, मैं एक उदाहरण देके समाप्त, इतना वक्त नहीं है कि आपका उदाहरण सुने, लेकिन हर बात पे ये हिंदू तू मुसलमान ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये चर्चा में शामिल होने के लिए, देखते रहिए आज।